বুদেও জো পিএসসি মা হোগে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজা বো ধমাল কাবর লে থসরে টেনশন আরে কাবর লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से लैंग्वेज मंत्रा में अब तक हमने हिंदी भाषा के अंतर्गत 80% से टॉपिक को कवर कर लिया है। बचे हुए हैं कुछ हिस्से। अब इसी माध्यम से अगर देखा जाए तो आज के इस लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले छोटे छोटे टॉपिक जो है विराम चिन्ह से रिलेटेड, वाक्यांशों के एक शब्द से रिलेटेड, ओप के मुहावरा और लोकोक्ति से। इसके बाद बचती आपकी संधि और समास की प्रक्रिया। जैसे ही संधि और समास की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, इसी टाइम शेड्यूल पर हम दूसरी भाषा छत्तीसगढ़ी को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जहाँ पर मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा के MCQ के माध्यम से हिंदी की तरह ही पूरे पाठ्यक्रम को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, किसी प्रकार से भटकाव महसूस ना हो। तो कहने का मतलब कि कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं आपके हिंदी भाषा के, और उसी समय हम आपके छत्तीसगढ़ी भाषा को भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका विराम चिन्ह, जिसे आप पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, वाक्यांशों का एक शब्द जिसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ओप के मुहावरा जिसे आप idioms कहते हैं, और proverbs जिसे आप लोकोक्ति के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर विराम। तो आखिर ये विराम क्या है, ठीक है, और चिन्ह क्या होते हैं। तो आपको मैं बतला दूं कि विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो किसी बात को कहते समय यदि वक्ता किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकता या ठहरता है, या कहीं वह विराम करता है या कहीं वह विश्राम करता है। तो किसी भी बात को कहते समय वक्ता जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता या ठहरता है, तो उसे विराम, विश्राम या आराम कहा जाता है। वक्ता को कहते समय इसके लिए किसी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब एक लेखक अपने लेख को लिखते समय जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता और ठहरता है, तो अपने मनोभावों को बताने के लिए उसे किसी चिन्ह को वहां पर मेंशन करना पड़ता है, और उसे ही चिन्ह को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो किसी भी तत्व में किसी भी बात को कहते समय वक्ता, पढ़ते समय पाठक और लिखते समय लेखक थोड़ी देर के लिए रुकता, ठहरता या विश्राम करता है, उसे ही विराम कहा जाता है। और जिस चिन्ह से इसे प्रदर्शित किया जाता है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। भारत के अंदर विराम चिन्ह की बात की जाए तो हिंदी भाषा में केवल एक विराम चिन्ह है, जिसे हम पूर्ण विराम के नाम से पुकारते हैं। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी का कहना है कि भारत के अंदर हम हिंदी भाषा में जितने प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस विराम चिन्ह को हम अंग्रेजी भाषा से लेकर आए हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस विराम चिन्ह की खासियत क्या हो जाती है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से जो मनोभाव हैं, वाक्य हैं, विचार हैं, उनमें शुद्धता देखने को मिलती है। इसका अति अनिवार्य प्रयोग प्रशासनिक पत्रों में, यहां तक कि आपके निबंधों में, लेखों में, पत्र व्यवहार में उचित तौर पर इसे चिन्ह के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अगर एक चिन्ह की त्रुटि हो गई तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। यदि कहता है रुको मत जाओ, इसका मतलब होता है रुकना, और अगर कहता है रुको मत जाओ, तो इसका मतलब हो जाता है रुकना नहीं है, वहां से चले जाना है। तो इस आधार पर जहां हम चिन्ह के प्रयोग से अपने मनोभावों को लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। इसे इंग्लिश में आप पंक्चुएशन मार्क के नाम से पुकारते हैं, और इस तरह इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक, लाघव,
उपदेशक या विवरण चिन्ह। तो सबसे पहली बात विराम चिन्ह की बात की जाए तो हमारे पास कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं जो अंग्रेजी से लिए गए हैं। हमारे पास लगभग 19 से 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं जिसका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा को लिखने के लिए करते हैं। वर्तमान में आधुनिकीकरण हो जाने से, कंप्यूटर और टाइपराइटर मशीन के हो जाने से, वहाँ अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह हैं जो और प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा से हम प्रकार के विराम चिन्हों को लेकर आए हैं और इस तरह हिंदी भाषा में केवल एक विराम चिन्ह है जो है पूर्ण विराम, दोहरा पूर्ण विराम। लेकिन अगर हम यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर हमारे लिए आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब निर्देशक क्या होता है? जब किसी बात को निर्देशित करना हो तो यहाँ पर हमारे लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस निर्देशक चिन्ह को हम क्या देंगे? जब हमारे द्वारा कंजक्शन जो होते हैं, यानी कि जो संयोजक होते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यानी किसी बात में दिशा निर्देश देने के लिए अगर इस चिन्ह के प्रयोग होते हैं तो उसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। इस निर्देशक चिन्ह में हम एरो का भी निशान लगाते हैं या एक संयोजक चिन्ह को बढ़ा देते हैं तो वह निर्देशक चिन्ह के नाम से प्रयोग होने लगता है। लाघव चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति के नाम को या किसी पद को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तब वहां पर हमारे लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि हम डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे द्वारा पंडित कहा जाता है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम BA कहते हैं, तो जहां चीजों को संक्षिप्त रूप दिया जाता है तो लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है। विवरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। इसका इस्तेमाल में हम दो गोले के बगल में एक लकीर को खींचते हैं। जब हम किसी बात में किसी का गुण दोष, किसी की व्याख्या करनी होती है, उसको एक्सप्लेनेशन करना होता है तो विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जब योजक चिन्ह यानी कि कंजक्शन मार्क को यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। लेकिन उपदेशक नामक कोई भी विराम चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है, विचार के तार टूट जाते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या वहां योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्या वहां अल्पविराम का, उद्धरण चिन्ह का या पूर्ण विराम का? तो क्या कह रहा है कि वाक्य की गति अंतिम रूप धारण कर लेती है, यानी जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं तो हमारे बात और विचार वहां समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे पक्ष में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसे पक्ष में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। तो योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्द पदों को जोड़ने के लिए यदि किसी शब्द में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जब कंपैरिजन होता है चांद सा, मुझ सा, तुझ सा, तो एक छोटा सा चिन्ह होता है जो दो शब्दों के बीच में आता है, उसे हम कंजक्शन मार्क कहते हैं या हम उसे योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहते हैं। इसका अधिकांशतः इस्तेमाल हम द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत देखने को पाते हैं, ठीक है। अल्प विराम क्या होता है? जहां पर अर्थ किसी शब्द का प्रयोग हो, यानी किसी वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है, वहां अल्प विराम के प्रयोग किए जाते हैं। इस अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? जब एक ही समान के संज्ञा शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, या पर हम किसी शब्द में ऐसा प्रयोग करते हैं जहां पूर्ण विराम से और अर्ध विराम से बहुत कम समय के लिए रुकना होता है, तब वहां हमारे लिए इस्तेमाल होता है अल्प विराम का, जिससे आप इंग्लिश में कॉमा के नाम से पुकारते हैं। और इसका चिन्ह होता है इस रूप में, इसका चिन्ह होता है इस रूप में, ठीक है। राम, मोहन, सुरेश, दिनेश तीनों कक्षा 11वीं के छात्र हैं। इसी प्रकार अगर कहते जल वायु, जल के, इसी प्रकार कहता है जल, नीर, अंबु, तोय, सभी जल के पर्यायवाची हैं कहता है, तो वहां पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब लेटर राइटिंग लिखा जाता है, पत्र लिखते हैं, तो संबोधन के बाद में भी यहाँ पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। प्रिय मित्र के बाद हम वहां पर अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं, या हम प्रति लिखते हैं आवेदन पत्र में तो वहां प्रति के बाद में अल्प विराम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इसे हम एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, एक होता है हमारे लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्या कब होता है? जब किसी
अनुच्छेद के अंदर किसी कवि या किसी पाठ का नाम आता है तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पैक करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन किसी व्यक्ति की कही गई बात को जैसे का तैसा हमें कहना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत दो प्रकार है, इकहरा और आपका दोहरा, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल इस रूप में होते हैं। और पूर्ण विराम क्या होता है, एक खड़ी पाई होती है। तो जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा बात को समाप्त कर दिया जाए, जहां हमारे भाव और विचार जो कंटिन्यू चल रहे थे अब वो कंप्लीट हो गए, तो वहां होता है हमारे लिए पूर्ण विराम। इस पूर्ण विराम का एक और रूप होता है जब किसी व्यक्ति का सजीव वर्णन किया जा रहा हो, वहां भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय भी पूर्ण विराम के प्रयोग होते हैं। लेकिन कविता की शैली में जहां दोहे छंद चौपाई से बंधी हुई रचना होती है, वहां पर हम दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग देखते हैं। तो अगर आप अपने धार्मिक पुस्तकों को देखेंगे तो चौपाई और दोहा अगर खत्म होता है तो दोहरे पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और इस पूर्ण विराम में कविता की पहली पंक्ति जब होती है तो इकहरा पूर्ण विराम लगता है, और कविता की यदि दूसरी पंक्ति समाप्त होती है तो दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विराम चिन्ह जो निशान दिया हुआ है प्रयुक्त होता है क्या विवरण चिन्ह में, क्या तुल्यता सूचक चिन्ह में, लाघव चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में, ठीक है। तो विवरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। तो जहां किसी बातों को विस्तृत किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, वहां पर हम विवरण चिन्ह का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। तुल्यता सूचक का मतलब होता है इक्वलेशन मार्क, यानी कि आपके जब संधि की प्रक्रिया, उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया निभाई जाती है तो गणित में प्रयोग होने वाला जब किसी प्रश्न के उत्तर को लिखा जाता है तो समानता प्रस्तुत करने हेतु तुल्यता सूचक विराम चिन्ह के प्रयोग हैं। इसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में भी है। संधि में विद्या धन आलय बराबर विद्यालय लिख रहे हैं, इसी प्रकार प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन लिख रहे हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करते समय, संधि का प्रयोग करते समय और किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय, समानार्थी शब्द लिखते समय, इन सभी में हम तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी पद को संक्षिप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति के नाम को संक्षिप्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो हाइफन मार्क है इसे हम संयोजक चिन्ह के नाम से पुकारते हैं। अभी मैंने बताया कि जहां पर इक्वल वर्ड्स का रिपीटेशन हो, जैसे कि हम कहते हैं धीरे धीरे, तो इक्वल वर्ड के रिपीटेशन में, यहां तक कि दो शब्द पदों को जोड़ रहा है, जैसे कि कह रहा है आपका रात दिन कह रहा है, तो दो शब्द पदों को और एक ऐसे शब्द की पुनरावृत्ति, जब कंपैरिजन करता है जैसे कि हमारे लिए कहता है चांद सा, ऐसे सिचुएशन में योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं। जहां कारक विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम कहते हैं शब्द सागर कहते हैं, इसी प्रकार अगर देखा जाए हम भाषा विज्ञान कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए एक योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसे योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह के नाम से पुकारते हैं। जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं कि कम से कम इतना रुपया लगेगा, है ना, तो वहां पर भी तुलना करते समय यहाँ पर एक हाइफन का इस्तेमाल होगा और इसे योजक या संयोजक चिन्ह के नाम से पुकारते। इन सभी चीजों के बारे में यदि आपको बहुत डिटेल में जानना है तो इस लेक्चर वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां अगर आप जाते हैं तो ये सारे टॉपिक जो आज मैं कवर करवा रही हूं इसके डिटेल वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे, तो किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी संयोजक चिन्ह के बाद में हम देखें तो इसी संयोजक चिन्ह को यदि हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो निर्देशक बनाने लगता है, यानी संज्ञा के प्रकार है कहने लगते हैं, तो कितने प्रकार के हैं वो निर्देशित करने लगता है। अगर हम इसमें एरो लगा दें तो यह रास्ता दाईं ओर है कहते हैं, तो ये निर्देश देने का काम करके संयोजक चिन्ह ही निर्देशक बनता है। दूसरी बात, इसी को अगर किसी शब्द के नीचे कर दिया जाए, यदि हम कहते हैं जैसे कि राजन, और इसी शब्द के नीचे अगर एक लंबी लकीर खींच दी जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आपके रेखांकन चिन्ह के नाम से पुकारते हैं। तो किसी शब्द के नीचे की लाइन को अगर बहुत लंबा खींच दिया जाए तो उसे रेखांकन चिन्ह यानी कि रेखांकन चिन्ह के नाम से पुकारा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच भाषा से या चीनी भाषा से? मैंने पहले ही बताया कि हिंदी में केवल एक ही प्रकार का विराम चिन्ह है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, बाकी सारे विराम चिन्ह हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कहाँ से लिया गया है? इसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आप तमाम प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ते हैं, जैसे कि कॉलन पढ़ते हैं, सेमी कॉलन पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव वाला पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं, हाइफन मार्क पढ़ते हैं, साथ ही आपका अंडरलाइन मार्क पढ़ते हैं, डैश मार्क पढ़ते हैं, इसके अलावा आप मार्क ऑफ ऑमिशन पढ़ते हैं, इसी प्रकार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा पढ़ते हैं, ब्रैकेट पढ़ते हैं, आपका रिपीटेशन मार्क पढ़ते हैं आपका रिपीटेशन मार्क पढ़ते हैं, इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं तो करेक्शन मार्क भी पढ़ते हैं और एंडिंग या डैश के नाम से पढ़ते हैं। तो इतने सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे द्वारा हिंदी में भी किया जाता है, जिसके हिंदी में अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कि कॉमा को हम अल्प विराम कहने लगते हैं, सेमी कॉलम के अर्ध विराम कहने लगते हैं, रिपीटेशन मार्क को पुनरुक्ति बोधक कहने लगते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म को हम लाघव चिन्ह कहने लगते हैं, डैश को हम रेखांकन कहने लगते हैं, इसी प्रकार हाइफन को संयोजक कहने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए ब्रैकेट बन जाता है कोष्टक, है ना, जो हमारे लिए आपका जो होता है आपका करेक्शन मार्क, वो हमारे लिए त्रुटि पूरक विराम चिन्ह बन जाता है। ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज मंत्रा के जो लिंक है उसमें आपको मिलेंगे, जहां डिटेल में सारे प्रयोग के साथ में मेरे द्वारा वहां समझाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते बेटा। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? यहाँ दिया है आपका अल्प विराम, यहाँ दिया है आपका अपूर्ण विराम, यहाँ दिया है विस्मयादि बोधक विराम और यहाँ दिया है प्रश्नवाचक। ठीक है, ये आपके अल्प विराम क्या होते हैं? अल्प विराम के बारे में बताया मैंने कि जहाँ किसी वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द बहुत सारे हों, पर्यायवाची हों, जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस अल्प विराम की खासियत होती है कि हाँ, नहीं, क्यों, परंतु और ऐसे शब्द के पहले भी अल्प विराम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस अल्प विराम का प्रयोग संबोधन के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे लिए आपका अल्प विराम। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर आशीष राहुल राजा शुक्ल कह रहा है, तो सभी एक संज्ञा शब्द हैं, इसलिए सभी के बीच में इस अल्प विराम का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे कि जब कंटिन्यूशन में होता है तो जब अंतिम वाला संज्ञा शब्द होता है उसके पहले हम और का इस्तेमाल कर देते हैं और वहां अल्प विराम लगाया नहीं जाता। ये होता है हमारे लिए अपूर्ण विराम, यानी कि किसी भी वाक्य में या शब्द में ऐसा प्रयोग जहां उसकी पूर्णता ना हो, तो इसका प्रयोग हम अपूर्ण विराम के तौर पर करते हैं। इसका इस्तेमाल हम हमेशा कहीं ना कहीं इसके लिए करते हैं, जैसे भेद बताना है, संज्ञा के भेद बताना है, तो वहां पर इस अपूर्ण विराम को लगाते हैं। इसके अतिरिक्त शीर्षक लिखना होता है जहां पर वक्तव्य पूरा नहीं होता, है ना, तो उसे अपूर्ण विराम से, जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, इसी प्रकार अगर कहता है दहेज, कहता है वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप कहता है, ऐसी सिचुएशन में एक शीर्षक का प्रयोग करते समय और जहां पर भेद को बताया जाता है व्याकरणिक पक्ष में, तो अपूर्ण विराम का इस्तेमाल होते। जहां वक्ता के मनोभाव का प्रयोग होता है वहां विस्मयादि बोधक यानी कि विस्मय बोधक विराम चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल जब किया जाता है विस्मयादि बोधक का, तो वाक्य में विस्मय बोधक शब्द को पहले रखा जाता है, जैसे कि हाय मैं तो मर ही गया, हाय मैं तो मर ही गया कहता है, तो विस्मय बोधक शब्द को सबसे पहले रखकर विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगाया जाता है। अगर विस्मय में प्रभाव ज्यादा है तो आवश्यकता पड़ने पर हम दो विस्मय या तीन विस्मय का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम जो होगा वहां केवल पूर्ण विराम लगाया जाएगा, वहां विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यह है हमारे लिए प्रश्नवाचक। ठीक है, जहां वक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है तो वाक्य समाप्त हो रहे हैं परंतु जहां उत्तर की अपेक्षा होगी, उत्तर की आकांक्षा होगी जानने की, तो वहां पूर्ण विराम के बदले प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
और इसी प्रश्नवाचक की खासियत है कि जहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर प्रश्न पूछा जा रहा हो कि तुम कहाँ रहते हो, तब पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहाँ संभावना है, शायद आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो वहाँ पर संभावना है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करके वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्रश्नवाचक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पूर्णतः जहाँ प्रश्न पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, वहाँ चूंकि प्रश्न स्पष्ट हो रहा है, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम या प्रश्नवाचक? अब अल्प विराम मैंने आपको बताया कि जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। इसी अल्प विराम की खासियत होती है कि यदि हम किसी लेख को लिख रहे होते हैं तो लेख को लिखते समय जब हम हाँ, नहीं, किंतु, परंतु ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले हम अल्प विराम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए पहुंचा परंतु कह रहा है तो वहां पर हमारे लिए अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अपूर्ण विराम है, इसका प्रयोग शीर्षक और भेद बताने के लिए होता है, प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न के लिए, लेकिन ये होता है हमारे लिए आपका अर्ध विराम, इसे आप इंग्लिश में सेमी कॉलन के नाम से पुकारते हैं। जब किसी वाक्य में छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जहां पर हम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकते हैं, वहां अर्ध विराम यानी कि सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। दिन बीता, अर्ध विराम, शाम आई, अर्ध विराम, और रात होते ही आसमान तारों से भर गया। तो यहां पर उदाहरण में पूछा है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो परंतु, हाँ, नहीं ऐसे शब्दों के पहले हम अल्प विराम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके अलावा जब हम अंक लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, आपके संज्ञा शब्द के उनको लिखते हैं, तो वहाँ पर भी अल्प विराम के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पर आपका वाक्यांशों का एक शब्द से। आखिर ये वाक्यांशों का एक शब्द क्या होता है, इस वाक्यांश को हम और क्या क्या नाम से पुकारते हैं? तो वाक्यांशों का एक शब्द कहता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के बारे में और अगर बहुत जानकारी लेनी है तो आपको लिंक बटन जो मिल रहा होगा उसको आप दबाएंगे तो वहां पर आपको लिंक में सारे विराम चिन्ह से संबंधित वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत वो पक्ष जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं वाक्यांश, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता में विकास की ओर बढ़ने लगा तो सबसे ज्यादा अभाव उसके पास समय की होने लगी। समय के अभाव होने की वजह से वह विस्तृत और बिखरे हुए चीजों को प्रयोग करना बंद करने लगा और उसके बदले में नई चीजों को स्थान देना शुरू किया। जब साहित्यिक रचनाओं का समय आया तो सामाजिक परिवेश में प्रयोग होने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों ने जब सामाजिक परिवेश की रचनाओं में स्थान प्राप्त किया तो उसी समय विस्तृत रूपों में प्रयोग होने वाले शब्द के बदले एक शब्द का इस्तेमाल वाक्य के अंश के रूप में किया जाने लगा, इसलिए उसे वाक्यांशों का एक शब्द कहते हैं। संपूर्ण वाक्य के बदले हम एक ऐसे शब्द को स्थापित करने लगे जो उनके पूर्ण कथन को स्पष्ट कर सके, तो उसे स्थापन शब्द भी कहा जाने लगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्दों का एक समूह था, इसलिए शब्द समूह का एक शब्द या अनेक शब्द के एक शब्द के नाम से पुकारते हैं, जिसे हम वाक्यांशों का एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, समूह शब्दों के लिए एक शब्द या स्थापन शब्द कहते हैं। और संस्कृत भाषा इसके लिए सबसे बड़ी धनी रही है, और संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले समास की प्रक्रिया के शब्द और संस्कृत के तत्सम संबंधी शब्द जो एक विस्तृत रूप ना होकर संक्षिप्त रूप था, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उन्हीं शब्दों को यहाँ पर स्थान दिया गया। बशर्ते जैसे कुछ नियम हमने विलोम शब्द में अपनाए कि अगर वो साधारण बोलचाल के शब्द होंगे तो हमारे उत्तर भी साधारण बोलचाल के होंगे, अगर उसके शब्द तत्सम यानी कि संस्कृत प्रभावी होंगे तो उसके उत्तर भी संस्कृत प्रभावी होंगे। वैसे ही प्रयोग हिंदी में स्थापन शब्द में हमने देखा, जैसे कि जिसके पार देखा जा सके तो पारदर्शी कहते हैं,
ठीक है, जो दूर से जिसका दर्शन हो तो दूरदर्शन कहते हैं, वर्ष में एक बार होने वाला तो वार्षिक कहते हैं, लेकिन अगर साल में एक बार होने वाला कहता है तो सालाना कहा जाता है। जो अभी अभी आया है तो अभ्यागत कहते हैं, जिसके आने की तिथि मालूम नहीं थी तो अतिथि कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह देखा जाए तो जो मांस का आहार खाता है मांसाहारी या आपके सामिश कहलाता है। ठीक है, जो मांस का आहार नहीं खाता उसे हम क्या कहते हैं, मांस का आहार नहीं खाता तो निरामिष के नाम से उसे पुकारा जाता है। शाक के आहार खाने वाले को शाकाहारी, फल का आहार खाने वाला को फलाहारी और दूध का आहार लेने वाले को दूधाहारी कहा जाता है। और इस तरह राजकीय नियमों का उल्लंघन अपराध कहलाता है और देश के नैतिक नियमों का उल्लंघन राजद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो सारे शब्दों के अलग अलग नाम है जो लिए जाते हैं। तो यहां से प्रश्न आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आता है। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अज्ञेय किसे कहेंगे, जिससे देखा ना जा सके, जिसे चुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे गाया ना जा सके। तो ज्ञान का मतलब होता है जानना और अज्ञान का मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं है। तो अज्ञेय क्या होगा, जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न वाक्यांश है तो एक शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला विशेषज्ञ होता है कि परीक्षक होता है कि अध्यापक होता है कि संपादक होता है। ठीक है, विशेष प्रकार के जानकारी रखने वाले को ही विशेषज्ञ कहते हैं। किसी विषय पर विशेष जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ कहा जाता है। संपादक कौन होते हैं, जब हमारे पत्राचार में पत्रकारिता में कोई चीज छपने के लिए आती है तो कोई लेख को छपने से पहले जब किसी खोजी पत्रकार के द्वारा लिखे हुए चीजों को छपने से पहले जिस व्यक्ति के पास दिया जाता है, जो उसमें से व्याकरणिक त्रुटियों को, ऐसे वाक्यों और शब्दों को जो जनहित के लिए नुकसान करने वाले हो, उनको काट छांट के सुंदर बनाता है, उसे हम संपादक यानी कि एडिटर कहते हैं। अध्यापक कौन होता है, वो जो शिक्षा देता है, वो जो बच्चों को पढ़ाता है। यही अध्यापक जब तक शिक्षा दे रहा है तब तक वो अध्यापक गुरुजी शिक्षक है, लेकिन अगर वो परीक्षा लेने लगता है तब उसे परीक्षक कहा जाता है। ठीक है, और परीक्षा लेने वाले को परीक्षक कहते हैं, उसके जो निगरानी करता है उसे पर्यवेक्षक कहते हैं और जो उसका निरीक्षण करता है उसे निरीक्षक के नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगता हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो। तो पर्वत पर चढ़ने वाला को पर्वतारोही कहेंगे। ठीक है, जो पर्वत पर रहता है उसे पहाड़ी व्यक्ति कहेंगे, जो पर्वत पर घूमने जा रहा है उसे पर्यटक कहेंगे, लेकिन जो पर्वत पर उगता है तो जो औषधियां हैं या पर्वतों पर जो तत्व उगते हैं उसे पर्वतीय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है इस वाक्य हेतु शब्द होगा। श्री गणेश, सर्वश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय या अग्रगण्य। मैंने पहले ही बताया, यहां पर सोचने वाली बात है, जिस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा बेटा वैसे इसका जवाब दिया जाना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारे द्वारा कहता है कि वर्ष का तीन महीना तो त्रैमासिक कहेंगे, साल में तीन महीने कहेगा तो तिमाही कहेंगे, चार मास का तो चतुर्मास कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार वर्ष इसी प्रकार वर्ष का आधा महीना कहेगा तो अर्धवार्षिक कहेंगे, वर्ष के छह महीने कहेगा तो छमाही कहा जाएगा। जो उल्टे हाथ से काम करता है उसे सभ्य साची कहा जाता है, हाथ से लिखा हुआ को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना। तो किसी भी काम की शुरुआत जहां होती है उसे हम श्री गणेश करना कहते हैं। प्रथम स्मरणीय, जिसे याद किया जाता है उसे प्रथम स्मरणीय कहेंगे। सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, जो सभी में से श्रेष्ठ होगा, लेकिन जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता या गिना जाता है तो अग्रगण्य कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी है, अदूरदर्शी है, विलंबी है या दीर्घसूत्री है। तो जो व्यक्ति किसी काम को बहुत देर से करता है उसे हम आपके दीर्घसूत्री के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता हो उस पत्र को क्या कहते हैं। लाल पत्र कहते हैं कि हरित पत्र कहते हैं कि श्वेत पत्र कहते हैं कि समाचार पत्र कहते हैं। लाल पत्र, हरित पत्र, श्वेत पत्र और समाचार पत्र में से अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी जो कंप्लेंट की गई होगी जिसकी खोजबीन की जा रही हो तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई आवेदन किया गया है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायतें भरा पत्र भेजा गया है तो उस व्यक्ति, उस अधिकारी के प्रति, यहाँ तक कि वो अधिकारी उच्च स्तर का कोई मंत्री हो सकता है और कार्यालय में कार्य करने वाला साधारण सा कर्मचारी हो जाता है, यदि उसके खिलाफ कोई शिकायती पत्र भर दिया गया है जिसकी वजह से एक जाँच के लिए कमिटी बताई गई है जिसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है और अन्य व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है, अगर उनके द्वारा खोजबीन कर लेने के बाद प्रमाण साक्ष्य के बाद में प्रस्तुत किया जा रहा हो, यदि वो व्यक्ति वहां पर चरित्र में या उनके खिलाफ जो आपके कंप्लेंट उन सब में अगर वो बहुत उज्जवल पक्ष का पाया गया है तब उसे क्लीन चीट दिया जाता है और उसी क्लीन चीट को श्वेत पत्र के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नाटक के खेलने का स्थान क्या है, रंगभूमि है कि नेपथ्य है कि रंगमंच है कि नाटक गृह है। जहां मंच पर अभिनेता और अभिनेत्रियों के माध्यम से दर्शकों के समक्ष किसी प्रकार का ऐसा आयोजन किया जाए जहां दृश्य परंपरा से उसको देखकर सुनकर उसका आनंद लिया जाता है तो वहां पर जो आयोजन होता है तो उस स्थान को रंगमंच कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दो पर्वतों के बीच की जमीन कहलाती है उपत्यका, अधित्यका, घाटी या पर्वतसार। तो विज्ञान भूगोल की भाषा में आपने देखा होगा कि पर्वत के ऊपर जो समतल जमीन होती है हम उसे पठार कहते हैं और पर्वत के बीच की जो गहराई वाला हिस्सा होता है उसे हम घाटी कहते हैं। लेकिन चूंकि तत्सम शब्दों की प्रधानता वाला पक्ष है इसलिए दो पर्वत के बीच की जमीन अधित्यका कहलाती है और पर्वत के ऊपर की समतल जमीन को उपत्यका के नाम से पुकारा जाता है। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए घाटी भी दिया है लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है उससे संबंधित जवाब वहां पर हमें लिखना होगा। एक ही माता से उत्पन्न पुत्र को हम सहोदर कहते हैं, ठीक है ना। बड़े के बाद जो छोटा है उसे अनुज कहते हैं, बड़े लड़के के बाद में उत्पन्न हुए पुत्र को अनुज कहेंगे। वैसे ही अगर बड़ी बहन के बाद में कोई लड़की है तो उसे अनुजा के नाम से पुकारा जाएगा। और इस आधार पर देखा जाए तो वाक्यांशों के एक शब्द में विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि जो इंद्रियों को जीत लिया है तो जितेंद्रिय कहेंगे, इसी तरह जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहा जाता है, जो आपके भू के गर्भ से को जानता हो, भू के गर्भ में जितनी सारी चीजें हैं अगर उसे जानता है तो भूगर्भवेत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो उसे पार्थिव कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। उंगलियों को भी देखिए, अगर कहा जाए तो आपकी अनामिका, आपकी अनामिका और तर्जनी के बीच की उंगली जो है वो मध्यमिका के नाम से पुकारी जाती है। और इस तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपको उत्तर जो है वो लिखने होंगे। दिए गए वाक्यांश हेतु एक शब्द लिखिए, चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल को बेचने वाला क्या कहलाता, क्या तमीज कहते हैं, क्या मोशक कहते हैं, कि तस्कर कहते हैं, कि फेरी वाला। तो फेरी वाला क्या होता है, गली गली घूमकर एक ही शहर के अंदर, एक ही गांव में, एक क्षेत्र विशेष में गली गली घूमकर जो सामान को बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा दायरे में जो टैक्स पटाना होता है उसको छोड़कर चोरी छिपे अगर कोई सामान की खरीदी बिक्री करता है तो उसे हम तस्कर के नाम से पुकारते हैं। और तस्करी करना एक अपराध के अंतर्गत आता है और फेरी करना एक व्यापार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है।
अब आता है क्षेपक। क्षेपक हेतु वाक्य है, दूसरों को क्षमा करने वाला, क्षत्रिय वंश का शत्रु पर घात करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, सुनार के घर माला को गुथने वाला। तो दूसरे को क्षमा करने वाले को हम क्षेपक नहीं कहते, न ही हम सुनार के घर में जो व्यक्ति माला गुथ रहा है, तो छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत जो व्यक्ति मंगलसूत्र या मालाओं को गुथने का काम करता है उसे छिपिया के नाम से पुकारते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जो ग्रंथ लिख दिया गया है, उस ग्रंथ को पढ़ लेने के बाद अपनी तरफ से उसमें कोई चीज को जोड़ रहा हो तो उसे क्षेपक के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, अनिर्वचनीय का अर्थ क्या होगा? जो वचन कहने के योग्य ना हो, जो निर्वाचन के अयोग्य हो, जिसका वर्णन करने में कठिनाई हो, जिसका वर्णन वचनों से संभव ना हो। तो निर्वाचन क्या होता है? जिसका कि चयन किया जाता है। लेकिन अनिर्वचनीय मतलब जो निर्वाचन के अयोग्य होता है उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वार्तालाप या विभाग का वह, किसी वार्तालाप यानी कि बातचीत और विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी रखता हो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे अधिवक्ता कहेंगे, क्या अधीक्षक कहेंगे, कि अध्यक्ष कहेंगे या आयुक्त कहेंगे? तो जब एक समिति का चयन किया जाता है तो किसी एक व्यक्ति विशेष को सब पर निगरानी रखने हेतु एक विशेष अधिकार दिया जाता है। तो किसी भी बातचीत को करने के लिए या किसी विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन उनके अंडर रहने वाले व्यक्ति और कर्मचारी पर निगरानी रखता है उसे हम अध्यक्ष के रूप पर जानते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? क्या इसे संभाषण कहते हैं, क्या इसे अभिभाषण कहते हैं, अवभाषण कहते हैं या अनुभाषण कहते हैं? तो एक विशेष अवसर पर जब हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी विशेष अवसर पर जो भाषण दिया जाता है उसे अभिभाषण कहा जाता है। इसमें जो मुद्दा होता है जिसके बारे में उनको बताना है केवल उसका ही उल्लेख मात्र होता है, अन्य विषयों का समावेश उस अभिभाषण में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां से शुरू होता है हमारे लिए इडियम एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरा और लोकोक्ति। जैसे कि मैंने बताया कि जब मध्यकाल का समय था तो भारत की संपूर्ण रचनाओं में पद्यात्मक प्रयोग थे, जहां आपकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली की शुरुआत हो रही थी, परंतु खड़ी बोली का उतना प्रयोग मध्यकाल में नहीं था। लेकिन उसी समय जब लोक भाषाओं की प्राथमिकता में हमने आधुनिक काल में कदम बढ़ाया तो पद्यात्मक रचनाओं के साथ साथ गद्य की परंपरा का जन्म हुआ। जब गद्य की परंपरा का जन्म हुआ तो अंग्रेजी साहित्य का हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ने लगा, इसलिए इंग्लिश लिटरेचर से हम प्रभावित होने के बाद हिंदी भाषा में गद्य की विधाओं में जहां खंड काव्य, महाकाव्य, गीत प्रगीत थे, जहां दृश्य और श्रव्य काव्य की परंपराएं थी, उन सब के साथ में गद्य की विधाओं में नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, जीवनी के साथ में संस्मरण, आत्मकथा, तमाम प्रकार की गद्य विधाओं का जन्म हुआ। यहाँ जो कवि अपनी कविताओं को रचने का प्रयास करते थे, जहाँ छंदबद्ध रचना होती थी, अब आधुनिक काल में स्वतंत्रता पूर्ण प्रभाव से उन कवियों के द्वारा अलग अलग विषय को चुनकर अलग अलग पक्ष में गद्य की विधाओं को जन्म दिया गया। इस समय 19वीं शताब्दी का दौर था जहां पर आपकी मध्यकाल की जो साहित्यिक भाषा अवधि ब्रज हुआ करती थी, रीति काल में ब्रज भाषा जो परचम लहरा रही थी, खड़ी बोली के प्रयोग किए जाने लगे और गद्य की विधाओं के साथ साथ काव्य की विधाओं को भी खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। इसी समय समाज में ऐसे व्यक्ति थे जो जनसाधारण बोलचाल के भाषा शब्द में प्रयोग होने वाले, लोक भाषाओं में विस्तृत तौर पर प्रयोग होने वाले साहित्यिक गद्यों का जब उन्होंने अंजाम देना शुरू किया तो उनके द्वारा गद्य विधाओं में लोकोक्ति मुहावरों को स्थान जो है वो दिया जाने लगा, क्योंकि सामाजिक उपन्यास, कहानी, नाटक होने लगे। तो इसी प्रकार देखा जाए तो आंचलिक उपन्यास, आंचलिक नाटक, आचार, आंचलिक कहानी होने लगी। कुल मिलाकर समाज की परंपराओं में जो विशेष तौर पर एक व्यक्ति अपने दैनिक बोलचाल के भाषा शब्दों में अधिकांशतः मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग दिन भर में कभी न कभी किसी न किसी टाइम पर जरूर करता है। तो मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है? तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है
होता है जिसमें एक लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है। मुहावरा एक वाक्यांश है, इसलिए इसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाता है। मुहावरे जो होते हैं दो तीन चार शब्द के होते हैं, लेकिन बगैर वाक्य के मुहावरे कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। मुहावरों का निर्माण आप संज्ञा और विशेषण से भी जानते हैं, जैसे कि चिकना घड़ा होना, ठीक है। इसी प्रकार संज्ञा और क्रिया, सिर खुजाना, आंखें दिखाना, मैक्सिमम मुहावरे बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। नाक को चने तबवाना, दांत काटी रोटी होना, कलेजा मुंह को आना, आसमान में पैर रखना, इस मुहावरे की खासियत होती है कि आवश्यकता के अनुसार जो मुहावरे हैं वो समाज और परंपरा के अनुसार बट जाते हैं, बदल जाते हैं। पहले कहा जाता था बकरा कटेगा सब में बटेगा, अब कहा जाता है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सामंतवादी परंपराओं के अनुसार आवश्यकता के अनुसार मुहावरों में परिवर्तन देखने को मिलता है, और मैक्सिमम मुहावरे का अंतिम साउंडिंग लेटर जो है वो ना होता है। आंखों में धूल झोंकना, दांत काटी रोटी होना, कलेजा मुंह को आना, और इस तरह मुहावरे के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। यदि मुहावरे को वाक्य से बाहर कर दिया जाता है तो मुहावरे अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुहावरे का प्रयोग करते समय यदि वहां पर हम पर्यायवाच्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कमर टूटना अगर कहता है, अब कमर के बदले में अगर हम कनिहा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ वहीं पर प्रभावहीन हो जाता है। यानी कि हम मुहावरे में पर्यायवाच्य शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहीं लोक उक्त बातें होती है हमारी लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कहे गए कथन को लोकोक्ति के नाम से पुकारा जाता है, या किसी अनुभव पर, चरम सत्य पर और किसी बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस लोकोक्ति में जहां मुहावरा लाक्षणिक अर्थ प्रस्तुत कर रहा होता है, और आपकी लोकोक्ति लाक्षणिक और शाब्दिक दोनों अर्थों को प्रस्तुत करती है। संस्कृत के जो सुभाषितानि श्लोक हैं उनकी पंक्तियां, या संस्कृत में जो सूक्तियां इस्तेमाल होती है उसे हम लोकोक्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अग्र सोची सदा सुखी, अध जल, अब उसी प्रकार कह सकते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है, लोभ पाप का कारण है, ठीक है, तीन तिखार महाविचार, ये शाब्दिक अर्थ को बताता है। लेकिन अगर कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसी प्रकार कह सकते हैं थोथा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसके लाक्षणिक अर्थ देखने को मिलते हैं। जिस तरह मुहावरे को वाक्य के भीतर प्रयोग करना जरूरी है, लोकोक्ति के लिए वाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पहले किसी घटना या किसी कहानी को रखा जाता है, उस बात के प्रमाणीकरण करने के लिए, उस बात के पुष्टिकरण करने के लिए लोकोक्ति का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जैसे मोहन तो अपने आप को बहुत अच्छा गायक समझता था, लेकिन जब उसके हाथ में माइक दे दिया गया तो वह कांपने लगा। इसी को कहते हैं थोथा चना बाजे घना, या इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरह देखने वाली बात है कि मुहावरा जिसे हम इडियम कहते हैं और लोकोक्ति जिसे प्रोवर्ब कहते हैं, मुहावरा की अगर हम प्रयोग करें तो शाब्दिक अर्थ को न लेकर लाक्षणिक अर्थ लेता है, लेकिन आपकी लोकोक्ति होती है जो शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थ को लेती है। इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आज के टॉपिक में जो आपको मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताया है, साथ ही जो विराम चिन्ह बताया है, और अब जो आपके मुहावरा और लोकोक्ति बता रही हूँ, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी। तो किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है, मुहावरा कैसा शब्द है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आपको पूछा जा चुका है, तो मैं बता दूं कि मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बात को कहना या बात को रखना, ठीक है। इसे अरबी भाषा में मुहावरा कहते हैं, इसे हिंदी भाषा में रोजमर्रा या वाग्धारा के भी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन साहित्यिक प्रयोग के अनुसार इस अरबी भाषा के मुहावरा को हम हिंदी में मुहावरा के नाम से प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मुहावरा क्या होता है। क्या मुहावरा संपूर्ण कथन होता है, कि वाक्यांश होता है, कि स्वतंत्र वाक्य होता है, कि उपवाक्य होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत करता है। इस वाक्यांश को हम अर्थ को लिखते तो जरूर है, परंतु इस मुहावरे को वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आंखों का तारा कहता है तो बहुत प्यारा या दुलारा होना, जब इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा तो इस मुहावरे को वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे कि मोहन अपनी माँ की
ही आंखों का तारा है। तो वाक्य में जहां उस मुहावरे का भावार्थ स्पष्ट हो रहा हो वहां पर हमारे द्वारा उस मुहावरे का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अगर इसे हम बाहर कर देते हैं वाक्य से तो मुहावरा अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता है। तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, मुहावरे किसके धरोहर होते हैं? व्यंग के, लाक्षणिकता के, अभिधा के, या कोई नहीं? व्यंग का मतलब होता है ताना कसना, व्यंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मजाक या प्रहसन करना, ताना कसना, और अभिधा का मतलब है जो बात जैसी है वैसे ही बताना। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो मुहावरा इनडायरेक्टली बातों को कहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल तो मैं आसमान में पैर रखना तो कहते तो अति उत्साहित होना, ठीक है ना, बल्लियों उछलना मतलब कि अति उत्साहित होना, ठीक है ना। उसी प्रकार कह सकते हैं छाती में मूंग दलना मतलब अति उत्पात मचाना, उंगली दिखाना मतलब कि ललकारना, उंगली में नचाना मतलब इशारों पर नचाना, आंखें दिखाना कहते तो डराना और धमकाना, ठीक है। इसी रूप में अगर देखा जाए तो हमारे लिए मुहावरा लाक्षणिक शब्द के अर्थ को प्रस्तुत करने वाले होते हैं, इसलिए मुहावरा लाक्षणिकता के धरोहर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकांशतः मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे की पहचान क्या है? क्या उसका अंतिम वर्ण ना होता है? क्या मुहावरा वाक्यांश होता है? क्या मुहावरा शरीर के अंगों पर आधारित होता है? या ऑप्शन नंबर डी, सभी। हाँ, तो मुहावरे की पहचान है कि मुहावरे का लास्ट साउंडिंग लेटर मोस्टली ना होता है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आंखों में धूल झोंकना कह सकते हैं, उसी प्रकार कह सकते हैं आपका कलेजा मुंह को आना कह सकते हैं। तो बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड होता है, नाक को चने चबवाना, दांत काटी रोटी होना, ठीक है, कलेजा मुंह को आना, आसमान में पैर रखना, अंगूठा छाप होना, ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम्पल आपका कहता है वाक्यांश, क्योंकि ये एक वाक्य का अंश मात्र होता है जो किसी वाक्य के भीतर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलग पहचान होती है कि यह कभी कभी संज्ञा और विशेषण से बना होता है, कभी कभी जो मुहावरा है वो संज्ञा और विशेषण से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए चिकना घड़ा होना कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे लिए संज्ञा और क्रिया से भी आपके मुहावरे का निर्माण होता है, सिर खुजाना, आंखें दिखाना, है ना, उंगली में नचाना, तो आपके संज्ञा और क्रिया शब्द से भी इन मुहावरों का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो मुहावरे की पहचान क्या है? कि लास्ट साउंडिंग लेटर ना होता है, एक वाक्यांश होता है, शरीर के अंगों पर आधारित होता है, संज्ञा और क्रिया और संज्ञा और विशेषण से इस मुहावरे का नाम प्रयोग जो है वो बनता है। दो या तीन शब्द का भी हो तो भी यह पूरा नहीं होता है। अगला आता है कि जैसे जैसे मूल्य और आवश्यकता बढ़ी, सामंतवादी समाज था इसलिए उनके समाज का, राजनीतिक पक्षों का भी इस पर प्रभाव, सांस्कृतिक पक्षों का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर्यायवाची के प्रयोग नहीं हो सकते क्योंकि मुहावरे का पूरी तरह से पर्यायवाची के प्रयोग करने से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगली बात, ये मुहावरा लाक्षणिक अर्थों को ग्रहण करते हैं। अगली बात कि इस मुहावरे में अगर हम देखते हैं तो आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन जो है वचन लिंग के अनुसार भी इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुहावरे में किसकी संख्या अधिक होती है, संज्ञा की या क्रिया की या वचन की या ए और बी दोनों? तो मैंने क्या बताया कि संज्ञा और क्रिया की सबसे बड़ी यहाँ पर प्रयोग जो है वो मुहावरे के निर्माण में देखने को मिलता है। अगला है, अवसर का लाभ उठाना इस हेतु सही मुहावरा क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना, कफन सिर पर बांधना, आंखें लाल पड़ जाना, आंखें अच्छी होना। तो जब अवसर का लाभ उठाना कह रहा है तो यहां पर होगा हमारे लिए बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंधे के हाथ बटेर लगना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बटेर पक्षी को पकड़ना, बटेर पक्षी को आजाद कर देना, अयोग्य व्यक्ति को अनायास अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना, अंधे को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि कहने वाली बात है कि अंधा जिसे दिख ही नहीं रहा है और उसे पक्षी का प्राप्त हो जाना, मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को अनायास अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना इस मुहावरे का अर्थ है। अब आता है हमारे लिए लोकोक्ति। लोक उक्त बातों को कही जाती है लोकोक्ति।
तो लोक उक्त कथन है लोकोक्ति, जिसे हम कहावत के भी नाम से पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत इसे अलग अलग नाम केवा, जोकवा, भांजरा, है ना, कहावत, उखान, अन्य अन्य मतलब अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। तो लोकोक्ति क्या होती है? एक व्यर्थ उक्ति होती है कि एक सार्थक संपूर्ण वाक्य होता है कि एक वाक्यांश होता है या इनमें से कोई नहीं। तो लोगों द्वारा उक्त बातों को लोकोक्ति कही जाती है, जो समाज प्रथा परंपरा प्रचलन से व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में दिन प्रतिदिन में कभी न कभी इसका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, प्रहसन या मजाक बनाने के लिए इस लोकोक्ति के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। और लोकोक्ति एक संपूर्ण सार्थक कथन होता है। तो लोकोक्ति एक सार्थक संपूर्ण कथन होता है। जिस तरह मुहावरे को वाक्य से हटा दें तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति को अगर वाक्य से हटा दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोकोक्ति एक सार्थक संपूर्ण वाक्य या कथन होता है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको क्या कहते हैं? दाल में कुछ काला है या फिर कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर या एक पंथ दो काज कहता है। तो इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, एक तो कंगाली है, ऊपर से क्या हो गया, आटा गीला हो गया, दाल में कुछ काला है मतलब कि संशय की अवस्था है, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षरता के प्रधानता है, एक पंथ दो काज मतलब एक से दो कार्य का सिद्ध होना, लेकिन इस वर्ष बैल भी मर गया और ऊपर से उसके घर में चोरी हो गई मतलब कंगाली में आटा गीला। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग खाली स्थान हो गया, आसमान पर चढ़ गया कि आसमान से गिर गया कि आसमान से उतर गया कि आकाश पाताल एक हो गया। तो मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया है मतलब वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। अगले क्वेश्चन की ओर, राधिका ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश हेतु सही मुहावरा क्या है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना या लुटिया डुबाना। जान पर खेलना अगर कहते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, वहां आप जो है वो परिश्रम करते हैं चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो राधिका ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लुटिया डुबाना कहता है तो इसका अर्थ अलग है, लोहे के चने चबाना कहता है तो इसका अर्थ अलग है, अत्यधिक कठिन काम करना लोहे के चने चबाना है। जान पर खेलना मतलब ऐसा है जहां पर हमारे लिए आपका विशेष प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है कि जान पर खेलकर मैंने इसकी जान जो है वो बचाई, लेकिन राधिका ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतना मेहनत किया उसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाना जो है वाक्यांश हेतु सही मुहावरा का इस्तेमाल करेंगे। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? कान काटना, कूप मंडूक होना, डिंग हाँकना और तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। तो मैंने पहले ही बताया कि मुहावरा एक वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण कथन होती है। मुहावरा दो या तीन शब्द का होता है और वह दो या तीन या चार शब्द का होकर भी बगैर वाक्य के अधूरा होता है। लोकोक्ति एक संपूर्ण कथन होती है। मुहावरे को वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाना अति अनिवार्य है, परंतु लोकोक्ति के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में भावार्थ जहां निकल रहा हो वहां प्रयोग होगा, लेकिन लोकोक्ति से पहले किसी घटनाक्रम किसी बात का उल्लेख किया जाएगा जिसकी प्रमाणीकरण और पुष्टिकरण करने के लिए हम वहां पर लोकोक्ति को मेंशन करते हैं। मैक्सिमम मुहावरे बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया के शब्द से बने होते हैं, अंतिम वर्ण ना होता है, ठीक है, दूसरी बात लाक्षणिकता के धरोहर होते हैं, मूल्य और आवश्यकता बदलती है तो मुहावरे आवश्यकता के अनुसार बदल जाते हैं, परंतु मुहावरे में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से मना किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में पर्यायवाची का प्रयोग मुहावरे के लिए नहीं होगा। लोकोक्ति चूंकि संपूर्ण कथन है इसलिए इस लोकोक्ति को वाक्य में प्रयोग करते समय ये पाते हैं कि किसी अनुभव पर, चरम सत्य पर, विशेष गुण बातों को बताने के लिए, आपके संस्कृत के सूक्तियां
का भी प्रयोग, सुभाषितानी के श्लोक का प्रयोग भी शाब्दिक अर्थ के लिए कर सकता है और साथ ही यह लाक्षणिक अर्थ को भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, कान काटना, कुक मंडूक होना, डिंग हाँकना, ये तीनों मुहावरे हैं, लेकिन तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता कहता है, तो यह हमारे लिए लोकोक्ति है। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन है जो मुहावरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाता है कौन? क्या पारिभाषिक शब्द, क्या मुहावरा, क्या अलंकार, या तकनीकी शब्द? तो मुहावरे, जैसे कि मैंने बताया, सामाजिकता, धार्मिक, आर्थिक, जितने भी परिवेश में जो समाज में परिवर्तन होता है उन सब के आधार पर कभी कभी कर्ता लिंग वचन और कारक के अनुसार भी मुहावरा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नीचे पंक्तियों के सामने उसके अर्थ लिखे गए हैं, इसमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति को छांटिए। लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद के अर्थ को बताता है, गाल बजाना डिंग मारना को बताता है, पटरी बैठना विचार मिलना के अर्थ को बताता है, तो कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसके सामने उसका आंसर सही नहीं है? तो इसमें है कौड़ी का तीन होना। तो यहाँ पर आपका कौड़ी का तीन कहता है तो यहाँ पर उसका बहुत कम जो है अस्तित्व में उसका आकलन जो है वो किया जाता है, बहुत अच्छा होना इसका आंसर नहीं है। बल्कि पटरी बैठना कहता है तो विचार मिलना, गाल बजाना कहता है तो डिंग मारना, और लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद के अर्थ को ही प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश को उत्पन्न करने वाली उन व्यक्तिगत पूंजी क्या होगी? बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिन खोजा तीन पाहिया, गहरे पानी बैठ, या नौ दिन चढ़े अढ़ाई कोस, इनमें से कौन सा उत्तर है जो होगा? तो कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो जिस तरह अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति इतना मेहनत करता है कि वह बालू से भी तेल निकालने तो जितनी मेहनत लगेगी, तो जीवन में उसका आंसर क्या होगा हमारे लिए? जीवन में अगर व्यक्ति को परिश्रम करना है तो उसको लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, तो कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति होगी बालू से तेल निकालना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? भोजन की सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं है, सब लगभग एक समान नहीं होते, व्यक्ति को उसके गुण और दोष दोनों के साथ परखना चाहिए, एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी कहता है, तो व्यक्ति को उनके गुण और दोष के समान एक साथ परखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है, शांत प्रकृति का व्यक्ति भी अधिक चिढ़ाने, कोसने या तंग करने से खींच जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, कहाँ तक बर्दाश्त करे? इस उपयुक्त लोकोक्ति इस कथन के लिए क्या होगी, अतिशय रगड़ जो करे कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, का वर्षा जब कृषि सुखानी, बाप भड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया, बोया पेल बबूल का, तो आम कहाँ से होए? तो क्या कह रहा है, शांत प्रकृति यानी कि शांत स्वभाव के व्यक्ति को यदि हम चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, कोसते हैं, तंग करते हैं, तो एक समय के बाद वह व्यक्ति भी क्रोधित हो जाता है, कहाँ तक किसी के द्वारा जब उसे प्रताड़ित किया जाता है तो सहेगा? तो क्या कह रहा है, अतिशय रगड़ जो करे कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, यूं तो चंदन में शीतलता है, चंदन की लकड़ी में शीतलता है, लेकिन अगर उसे बार बार रगड़ा जाता है तो उसमें भी आग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदना, आंख के अंधे नाम नयन सुख, उंगली उठाना और कोल्हू का बैल। तो गुण के विपरीत कार्य का होना, इसके लिए है हमारे लिए आंख के अंधे नाम नयन सुख। और इस तरह आज के इस लेक्चर वीडियो में यूट्यूब चैनल के माध्यम से लैंग्वेज मंत्र में आपने चार छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया, यानी कि विराम चिन्ह को, वाक्यांशों को, एक शब्द को, मुहावरा को और लोकोक्ति को। और इसी तरह के प्रश्न बेटा आपको तमाम प्रकार की परीक्षा में, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो आपका CGPSC प्री हो, वहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा हिंदी भाषा में तमाम प्रकार के टॉपिक में से मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए। अब आपके लेक्चर वीडियो के लिए केवल दो टॉपिक बचती है, जो है संधि
और समास। संधि यानी कि स्वर व्यंजन विसर्ग संधि के अंतर्गत प्रश्न, और दूसरा होगा हमारे लिए समास से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इन सभी को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तो अगले टॉपिक में संधि की प्रक्रिया को जानने के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, यानी कि संधि की प्रक्रिया में हम सब जानेंगे कि स्वर संधि कब है, क्या है, कैसे है, उसके नियम क्या होते हैं, व्यंजन संधि क्या है उसके नियम क्या होते हैं, विसर्ग संधि क्या है उसके नियम क्या है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अगले लेक्चर वीडियो में मैं संधि की प्रक्रिया के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी, और उसके बाद समास, और फिर हमारी उसी सीक्वेंस में शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ी भाषा। तो यूं ही मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे सभी बच्चे को अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, और हमेशा की तरह लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।